हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 27 अक्टूबर। आज हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मेरा नेपाल में 5 ईयर्स हो गए यहाँ में रहते हुए, बट आज तक मैं पशुपतिनाथ जी के द्वार में नहीं आया। तो आज फाइनली मौका मिला तो हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि हम जो भी देखेंगे पशुपतिनाथ जी के वहाँ में जाते हुए रास्ते में मंदिर में, हम लोग पूरा वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, अभी हम आए यहाँ में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। अभी जहाँ मैं रुके हुए हैं वो थोड़ा डिस्टेंस में, वहाँ से लगभग आधा घंटे का डिस्टेंस है। अभी जस्ट ही आए। गाइस देखिए, ये है गौशाला। दूध यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं सारे पशुपतिनाथ जी के लिए चरते। हम अभी जो पूजा के लिए जो सामान चाहिए वो ले लिए, अभी जा रहे पशुपतिनाथ जी के मंदिर के अंदर। पर अंदर में तो मोबाइल अलाउ है नहीं, जितना तक हो सके हम दिखाएंगे बाहर से ही।
तो गाइस यहाँ में एंट्री करते ही ये इंस्ट्रक्शन मिल गया कि अंदर में कोई मोबाइल अलाउ है नहीं। अंदर पूजा अभिषेक कराना, दुर्गा अभिषेक नहीं। हाँ जी, ये मंदिर का पाठ करके माला देते हैं। मोबाइल जाएगा, मोबाइल जाएगा, मोबाइल जाएगा, फोटो मत खींचना, मोबाइल जाएगा, कैमरा जाएगा, गेट के बाहर। तो गाइस हम अभी पशुपतिनाथ जी के मंदिर के अंदर जा रहे हैं और अंदर मोबाइल है नहीं, मोबाइल अलाउ है नहीं, जो आपने देख लिए पहले साइन बोर्ड में। एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ से। मम्मी लोग थोड़ा बाहर है, अभी आ रहे हैं, आते ही हम जाते हैं अंदर। गाइस अभी हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आ गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। अभी 1 बज गया, अभी नेपाल में यहाँ में 1 बजने के बाद पशुपतिनाथ जी का जो दरवाज़ा है वो क्लोज हो जाता है, दर्शन बंद हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने पूरा दर्शन करके आ गए, मम्मी जी एंड ये मिसेस एंड हम। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी और 2-3 मंदिर है यहाँ में, वो दर्शन करते हुए फिर जा रहे हैं दूसरे। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी पशुपतिनाथ जी से जा रहे हैं यहाँ से।